एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हर बार मैं बैड न्यूज लेके आती हूँ कि कनाडा ने ये रूल चेंज कर दिया, वो कर दिया, नाश हो गया, तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आज मैं बड़ी अच्छी न्यूज लेके आई हूँ जिसको सुन के आप सब इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि कनाडा कुछ अच्छा भी कर सकती है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड न्यूज ये है कि जिसको पहले 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, जो 2 साल की स्टडी लेके कनाडा आता था, मतलब जिसकी 2 साल की मास्टर होती थी स्टडी की और उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता था, ये सबको पता है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि जो 1 साल की मास्टर भी करेगा स्टडी में, उसको भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना ये न्यूज़ सुन के। ये बहुत लोगों का फायदा करेगी। जैसे जो लोग 1 साल का मास्टर का प्लान लेके आते थे ना स्टडी का, तो उनको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता था, जो कि बहुत कम होता था। उनको यहाँ पे दोबारा से स्टडी लेनी पड़ती थी 1 साल की, और या फिर वो कुछ ना कुछ दूसरी कंट्री में, दूसरी स्टेट में मूव होना पड़ता था पीआर के लिए। बट अब ये ऐसा कर दिया कि जो 1 साल का प्लान लेके आएगा स्टडी का मास्टर्स के लिए, प्लस टू के बाद का नहीं है, मास्टर के लिए, तो जो मास्टर 1 साल का लेके आएगा उसको भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इससे फायदे क्या क्या होंगे, हमारे पैसे कितने बच जाएंगे, हमारा टाइम भी कितना सेव हो जाएगा, मतलब हमारी 1 साल की स्टडी कट हो जाएगी, वो टाइम सेव हुआ। जो हम 2 साल की स्टडी के लिए पैसे पे करते थे, वो हमारे सिर्फ 1 साल के लिए करने पड़ेंगे। इतनी बढ़िया न्यूज़ दी है ना ये कनाडा सरकार ने। इतने टाइम से ये कुछ ना कुछ फालतू के रूल लेके आ रहे थे जिससे सब परेशान ही हो रहे थे, डिप्रेशन ही चला हुआ था हर जगह। लेकिन बीच में इतनी अच्छी न्यूज़ ले आए ना ये, कि इतने ज़्यादा बच्चे खुश हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको किसी को अपना भाई बुलाना था, बहन बुलानी थी, तो अब वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 साल के लिए ही बुलाएं उनके मास्टर्स के लिए, जो कि उनका एक साल का टाइम सेव हो जाएगा, उनकी 1 साल की स्टडी के पैसे सेव हो जाएंगे और काम भी जल्दी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 3 साल के लिए 2 साल का मतलब स्टडी लेके आते थे, तो अब उनको 1 साल में भी 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो बहुत बच्चे 2 साल वाला नहीं प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली पैसे भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, कौन इतना फालतू का टाइम लगाएगा। तो सबको ये होता है कि कनाडा आ रहे तो हम फटाफट सेट हो, तो इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती। तो सब खुश हो जाओ, पार्टी करो, बढ़िया एंजॉय करो। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताना। आई होप कि कोई और अच्छी गुड न्यूज ये लेके आए कनाडा सरकार, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।